नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को जगजाहिर हुए, जहां उत्तर प्रदेश में अब की बार बड़ा खेला करते हुए समाजवादी पार्टी ने 32 सीटों की बढ़त लेकर प्रदेश के सांसदों की सूची में सबसे बड़ी और सबसे आगे अपना नाम लिखा, यानी कि प्रदेश से अब सबसे ज्यादा सांसद सपा के 37 हो गए हैं। सबके बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की, लेकिन बीते बुधवार को अखिलेश यादव ने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर के यहाँ संसद को प्राथमिकता दी है। दरअसल जब भी कोई विधायक सांसद बनता है या कोई सांसद विधायक बनता है तो दूसरे सदन का सदस्य जैसे ही वो बनता है तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे यहां औपचारिक रूप से किसी एक सदन को छोड़ना पड़ता है। लिहाजा अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद बनते ही विधानसभा को छोड़ दिया और उनकी विधानसभा छोड़ते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी अब खाली हो गया है, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी की बैठक शुरू हो गई है और निर्णय लिया जाना है कि यहां से अब कौन सपा की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पक्ष बनता नजर आएगा। अब इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का नाम काफी आगे माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा यहां पर माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब की बार किसी दलित चेहरे को भी नेता प्रतिपक्ष बना सकती है, जिसमें एक नाम राम अचल सुभासपा की तरह यहां पर जो ओपी राजभर है उन्हीं की तरह राम अचल राजभर का आ रहा है। इसके अलावा अन्य नाम यहां पर इंद्रजीत सरोज का निकल कर सामने आए हैं। हालांकि चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के तहत ही देगी, जिसमें दलितों को लेकर के दो बड़े नाम निकल कर सामने आए, जिसमें राम अचल राजभर हैं और उसके अलावा इंद्रजीत सरोज हैं। वहीं गुड्डू जमाली का नाम भी अब मुस्लिम चेहरे और मुस्लिमों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से साधने के लिए माना जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की कई बैठकों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष का पद सपा की ओर से यूपी विधानसभा में कौन संभालता दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।